सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपने समस्याओं की पहचान खुद करें, दूसरे तो उलझन पैदा करेंगी। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। सभी समस्या का हल मिल सकता है, बस आप शांति से उसका हल ढूंढे तो। आज का पंचांग 7 जुलाई 2020, दिन मंगलवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, सुबह 9:03 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र रात्रि 11:56 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:45 से 5:26 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:55 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 7 जुलाई 2020, दिन मंगलवार। आज के दिन की खासियत आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात रहेगी जिसका प्रभाव आपके जीवन पर काफी लंबे समय तक रहेगा। आप किसी ऐसी स्थिति या व्यक्ति के संपर्क में भी आ सकते हैं जहां आपको विपरीत दृष्टिकोण का सामना करना पड़ सकता है। अपने रचनात्मक आलोचना को सही तरीके से ही लें। आप बदतमीज हुए भी नहीं अपनी बात को समझाने की कोशिश करें। आज आप बहुत खुश होंगे कि आपने अपनी समस्या का हल ढूंढ लिया। बहुत लंबे समय से आप इस परेशानी का सामना कर रहे थे। शांति और समय से इस समस्या का हल निकल जाएगा जो कि सही के हित में होगा। अब आप पूरी तरह से इस मुद्दे को पीछे छोड़ सकते हैं। घर पर छह उदासी आज आपकी चिंता का कारण बनेगी। आपको जरूरत है कि परिस्थितियों को समझे और ये जानने की कोशिश करे कि गलती किससे कहां हुई। अपनी तरफ से अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करें। आपके गुस्से के कारण आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। अपना सारा ध्यान दोस्तों व रिश्तेदारों से अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में रखें। आप अपने परिवार पर ध्यान देंगे, परिवार की जरूरतों को समझेंगे, घरेलू खर्चे बढ़ेंगे, कोई संपत्ति मिल भी सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से दिन कमजोर हो सकता है। एक दूसरे से झगड़ा होने की संभावना भी बनेगी। प्रेम जीवन जीने वालों के लिए आज का दिन कमजोर है। नौकरी के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे हासिल होंगे। आपकी साख बढ़ेगी। व्यापार के लिए दिनमान थोड़ा कमजोर भी हो सकता है। सावधानियां, आपकी सेहत आज थोड़ी कमजोर रहेगी। आपके अधिकारी आपका साथ कम देंगे। अपने संबंधों का आप फायदा उठाएं। लव लाइफ की बात करें तो अच्छा, आपको अपने साथी से बहुमूल्य सलाह मिल सकती है। हो सकता है कि ये आपको सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन आप अपनी तरफ से उसे अच्छे तरीके से सुनने के लिए प्रयासरत रहेंगी। यह आपके लिए काफी महत्व वाली बात हो सकती है। ये वित्तीय मामला या आपके करियर या आपके परिवार से संबंधित हो सकता है। आपके लिए ये जरूरी है कि इस सलाह को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। करियर की बात करें तो आज आपको अपने कार्यस्थल पर संचार और बातचीत कौशल का विशेष उपयोग करने की जरूरत है। आपको सावधान रहना होगा कि जो से शिकायत या किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको कूटनीतिक और कुशलता से दबाव के समय में कार्य करने की आवश्यकता होगी। आपकी सफल बातचीत भी काफी हद तक आपके करियर को आगे बढ़ा सकती है। सेहत की बात करें तो
आपकी त्वचा सूखी और बेचैन सी लग रही है। ऐसा केवल बदलते हुए मौसम के कारण ही नहीं बल्कि आपके शरीर के अंदरूनी कारणों के कारण भी हो सकता है। मौसम के परिवर्तन के कारण आपकी सेहत भी खराब हो सकती है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको बारिश में भीगने से बचना होगा वरना एलर्जी हो सकती है। आपको सर्दी जुखाम और बहुत से संक्रमण हो सकती हैं। ध्यान रखें आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।